गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन ने एक नए जमीन सीमा कानून को पास करके भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। चीन की संसद ने ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसमें चीन की अखंडता को पवित्र कहा गया है और हर कीमत पर उसकी हिफाजत करना सरकार का फर्ज बताया गया है। चीन के इस नए कानून में साफ लिखा है कि चीन की सरकार अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। मतलब चीन विस्तारवाद की अपनी जिस नीति पर हमेशा चलता आया है, इस कानून के जरिए उसे कवच देने की कोशिश की जा रही है। इसमें भारत से चल रहे सीमा विवाद पर भी इस कानून का असर पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद एक तरह से चीन को LAC पर हर चालबाजी करने की खुली छूट मिल जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इस कानून में बातचीत के जरिए अपने पड़ोसियों से विवाद सुलझाने पर जोर दिया गया है, जबकि लद्दाख के मामले का हल निकालने के लिए चीन और भारत के कोर कमांडरों के बीच 13वें दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बताया गया कि ये कानून अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा।